हे फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। मतलब सो आज हम लोग आए हैं पंडाल देखने, और आज है तिथि 4 एंड आज कुष्मांडा जी की आराधना की जाती है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं पंडाल। कल्याणी में लगा है ट्विन टावर्स, एंड पिछले साल पता है क्या लगा था? शिवभूमि में लगा था बुर्ज खलीफा, और कल्याणी में लगे था गोल्डन टेम्पल। पिछले बार तो नहीं देख पाए, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इस बार जरूर देखेंगे। सो आई होप आपको ये वाला वीडियो आज का बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ प्लीज़ शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग पहुँच चुके हैं कल्याणी ITI मोर मलेशिया ट्विन टावर में, और यहाँ पे दूर से ही बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। और हम लोग सोचे थे कि आज देवी के चौथे रूप के दिन थोड़ा कम भीड़ होगा, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, और देख के लग नहीं रहा है कि हम लोग देख पाएंगे ट्विन टावर को अच्छे से। और अगर देख पाए तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत ट्राई करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं मलेशिया ट्विन टावर। बंगाल में हमें देखने को मिल रहा है मलेशिया ट्विन टावर, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोग घर बैठे बंगाल के पंडाल्स और पूजा को एंजॉय कर सकते हैं, और साथ ही मलेशिया ट्विन टावर देख सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी निकला है कि हम लोग फ़ोन से ही घर बैठे ही पूजा का आनंद ले सकते हैं। और देखिए यहाँ ना पूरा सब कांच से बना हुआ था, और ठाकुर जी भी ना पूरा कांच से बना था, और बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ का माहौल, और मुझे तो बहुत मज़ा आया। मम्मी और पापा दोनों और इन्जॉय कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स देखिए, उसी के पास में ही एक टाइप का किला था, ये पूरा अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा यहाँ का माहौल देख के, लेकिन ऐसे पास में था इसलिए हम लोग आ गए कि चलो यहाँ के भी ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। पिछले बार भी हम लोग यहाँ पे आए थे ना, तो बहुत मस्त लग रहा था हमको। पूरा कम्प्लीट होने के बाद आए थे, और हम लोग यहाँ पर बारिश में बहुत तेज फंसे थे। तो देखिए अंदर का ठाकुर जी बहुत सुंदर था, उनके हाथ में भी औजार नहीं आए हैं, लेकिन अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स ये है अक्षरधाम, और हम लोगों ने बाहर से हल्का सा रुक लिया। अगर हम फिर से कभी जाएंगे नेक्स्ट डे तो हम ये दिखाएंगे आपको अंदर का। और ये हम लोग गए थे एक और जगह, बहुत सुंदर लगा था पंडाल, इसके अंदर हम लोग बहुत अच्छा लग रहा था मतलब, और यहाँ पे कीर्तन हो रहा था, और लेक था यहाँ का, चार धाम का अच्छे से। तो फ्रेंड्स ये एक और पंडाल है, और फिर अगर हम लोग नेक्स्ट डे जाएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने पूरा नहीं देखा है, क्योंकि बहुत अच्छा होता है बंगाल में, बहुत सारा होता है पंडाल, तो अभी आधा ही देखा है, आधा हम लोगों को देखना है। तो अगर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे क्या। Thank you.
फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जितने भी पंडाल हमने देखे आपको बहुत पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें और वीडियो को पूरा देखकर कमेंट करें। देखने के लिए